कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चल रही है अभी हेलमेट की सफाई, क्योंकि अभी अपने को अपडेट करना है। क्योंकि अभी अपने को सेटअप करना है नया मोटो व्लॉग सेटअप करना है। पुराना ऑलरेडी सेटअप था। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, यू आर वाचिंग सुहेल व्लॉग्स। इंट्रो ला अगर आपके पास GoPro Hero 8 है और आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप करना है तो कैसे किया जाएगा, आई टेल यू डैट। और ये इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यही एक सही सेटअप है, दूसरा सेटअप भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी जैसा सेटअप हो सकता है हम आपको वैसा सेटअप करके दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू नीड अ हेलमेट चाहिए, कैमरा चाहिए एंड दिस इज द हाउसिंग चाहिए आपको। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है GoPro जब मैंने लिया था उसके एक ब्लॉग बनाया था, आई कार्ड में यहाँ हम नंबर दे देंगे, वीडियो दे देंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, कुछ भी निकल रहा है मुझे। सो यू नीड अ हाउसिंग, यू नीड अ कैमरा, अ हेलमेट, GoPro माइक अडाप्टर एंड यू नीड अ माइक। बेसिकली यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ माइक, हम बोया MM1 लिया है और ये चलता है आपका बैटरी से। यहाँ आप इसको खोलोगे इसके अंदर एक बैटरी लगता है, नॉट अ पेंसिल बैटरी बट बैटरी जैसे पहले घड़ी में हैंड वॉच में आता है वो बैटरी लगता है। एंड ये मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ है, एज यू कैन सी इसको मैंने MSeal से सेट किया है। दुनिया भर का आइडिया है बट MSeal इज द बेस्ट। आई नो कैम थोड़ा सा ऑड लगता है यहाँ पे हेलमेट, लेकिन डजंट मैटर्स अंटिल एंड अनलेस योर कैमरा इज सेफ, यू आर सेफ। हेलमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, अगर जिसको पड़ता होगा वो करेगा। सो ये सेटअप हम कुछ ऐसा किया है, इसको आप खोल के यहाँ लाइक दिस इज एंड कैमरा यहाँ पे आएगा। तो फिलहाल इसको निकाल के रखते हैं। ये मेरा पुराना माइक है, इसके अंदर था, इसको निकाल दिया फिलहाल। ये ऊपर में ये था, इसको भी निकाल दिया है। इट्स लाइक पूरा यहाँ से इसका स्किन चला गया, यही प्रॉब्लम होता है MSeal का, बट आई स्टिल डोंट माइंड। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। यहां का आपको जो क्लिप आता है उसको निकाल देना होगा, तब ये जाएगा इसके अंदर, बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ स्पेस हियर यहां पे। आपका कैमरा की जगह ये क्लिप आएगा हाउसिंग का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले लगा दें हम लोग। ये खुल गया एंड यहाँ आपका कैमरा हल्का सा पुश करके प्रॉपरली खुला होगा। यू नीड टू ओपन दिस रूम, ये आपका खुल जाएगा। तो आ गया यार, ये गया कैमरा, ये बंद हो गया स्विच। जैसे कैसे कैमरा बंद जा चुका है एंड स्लाइड करके इसको बंद कर। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ आपका कैमरा दिखेगा। यहां से आप इसको मूव कर सकते हैं, इतना रखने जितना आपको व्यू रखना उतना आप रख सकते हैं। सो देन यू विल नीड अ, ये मैंने इसी पहले से खोल के रखा है चेक करने के लिए। This is the GoPro adapter. So, ये जाएगी, नहीं जाएगा, ऐसे यहाँ, यहाँ जगह है रखने जाने का, and this will go here like this. ये भी नहीं, ये चला गया अंदर। Now, the main task is, ये तो आपका चला गया, ये बोया का माइक काफी ज्यादा लंबा है, तो उसको एडजस्ट करना होगा कैसे?
बहुत सारे वीडियोस अभी देखा देखने के बाद उसको उल्टा एडजस्ट करना होगा थ्रू इनसाइड योर हेलमेट कुशन, सो हम वही ट्राई करेंगे। ऑलराइट, सो हम लोगों ने सेटअप चेंज कर दिया है, कोर सेटअप किया, वो सेटअप एक्चुअली आ रहा था यहाँ पे, दिस इज एटलीस्ट कमिंग यहाँ पे आ रहा है कम से कम, लेकिन इससे पहले का सेटअप यहाँ वो पूरा व्यू ब्लॉक कर रहा था। सो इफ आई विल वेयर द हेलमेट ये ऐसा सेटअप आएगा, अब मेरे को क्या है ना ये कैमरा का लेंस पूरा ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है, सो दिस सेटअप इज टोटली फाइन फॉर मी, राइडिंग में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो लेकिन अब मेन टास्क है ये माइक को अंदर डालना, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। टाइम कितना हो रहा है देखो ना, 8:09:17। ऑलराइट, दिस इज द नेक्स्ट डे, गरीब आदमी हम लोग, तो ये अगला दिन है। कल बोया का माइक था, बोया का माइक से हुआ नहीं, बोया का माइक क्या हुआ बोया का माइक हम जब बोया का माइक ले रहे थे ये हमको कुछ बोली नहीं लेने या लेने। हेलो, यू डिडंट सेड मी दैट तुम वो ले रहे हो, मतलब तुम बस ऑर्डर देने ले, हमसे सजेशन भी नहीं लेके ले या ना ले। बोया का माइक ले लिया था, बोया का माइक में बीच में मशीन था जो बैटरी सेल से चलता है, और वो जाके हेलमेट के अंदर लड़ रहा बार बार। के वायर 6 मीटर का वायर जाके बार बार लड़ रहा है उसमें। सो एट लास्ट कल वीडियो बंद कर दिया, बंद करने के बाद कल रात को साथ ही गिव ऑर्डर दिस वन, ये माउनो का लेयर माइक्रोफोन है। सो अभी खा के अगेन हेलमेट के अंदर उसको माइक को इंस्टॉल करेंगे, फिर शायद टुमारो वील गो ऑन अ राइड फॉर द टेस्ट, तब तक के लिए इसको खा ले, उसके बाद वील गो। तो इसको अभी खोल देंगे हम, ये चीज निकाल गया, कल भी खोला था इसको, फिर 3 बार कल खोला, 3 बार लगा दिया, अभी फिर इसको खोलेंगे। अब वायर इसमें पूरे तरीके से उसको समेट के अंदर पेपर टेप मार के उसको लगा देंगे, उसके बाद फिर माइक एडजस्ट करेंगे। तो लेट्स ओपन दिस फर्स्ट, तो मेहरबानी करके कैमरामैन अब दिखाइए खोखला हेलमेट। सो इसके अंदर अभी हम लोग रैप कर देंगे इसको वायर को, उसके बाद इसको गोप्रो को कनेक्ट कर देंगे। हाँ, सो दिस इज माउनो का माइक, यही कल अमेजन से ऑर्डर किया, और फॉर्चुनेटली प्राइम मेंबरशिप होने के कारण ये मेरा कल रात को ही ऑर्डर किया और अभी आ गया। सो ये ऐसा कुछ माइक है, 2 मीटर वायर था ना, 1.82 या 89। इसके साथ एक ये आपको मिलेगा, इसका नाम हमको मालूम नहीं है, दिस इज द कनेक्टर, जैसे दिस वन इज 3.5 mm जैक और ये 2.5 mm जैक होगा, ये मिलेगा आपको, आप कनेक्ट कर सकते हैं, और 2 क्लिप है। तो ये सबको साइड में रखते हैं, इसको पहले हम टेप अप करते हैं। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ हम हेलमेट सेट कर दिया है, अभी पूरा रेड राउंड इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेप मारा हुआ है, कुछ बच रहा है इसको यहीं डाल के उसका कुशन डाल देंगे इसके ऊपर। और ये रहा माइक को कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन पूरा टेप मार दिया हम। हेलमेट पहन के उसका बाद चेक करते हैं कैसा रहेगा, अभी तो रात हो गया है, मोटो ब्लॉक कर नहीं सकते, सो अभी फ़िलहाल हेलमेट पहनते हैं।
लीजिए, हेलमेट संभालिए, कैमरा संभालिए। All right, so this is the indoor testing of GoPro Hero 8. Mic adapter connect hai aur mic ka 3.5mm mic bhi connect hai. This is my hand. All right, so thoda sa heavy hai due to the housing, lekin fir bhi chalane wale ko chal jayega, humko bura nahi lag raha. All right, so abhi hum log aa chuke hain बेग बगान फ्लाईओवर पे, या पीटीएस फ्लाईओवर पे, या कोई भी आप फ्लाईओवर बोल सकते हैं। सो ये मेरा वाइजर अभी बंद है और माइक अडेप्टर और माइक दोनों कनेक्टेड है। आई एम जस्ट चेकिंग द GoPro Hero 8 का वीडियो प्लस ऑडियो कैसा जाता है। आई प्रे ऊपर वाले से कि अच्छा जाए, सही हो। आई डोंट वॉन्ट टू मैस अप, क्योंकि एस जे कैम को हम बहुत झेले हैं और प्लस आप लोगों से इंटरेक्ट करने का एक ऑडियो बहुत बड़ा मैटर करता है, ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का। सो आप जो मेरा वीडियो देखेंगे आपसे इंटरेक्ट कर सकेंगे सही से। सो अभी हम लोग हैं बेग बगान फ्लाईओवर पे और सुबह से नहीं, 12 बजे दिन से आज कैलकाटा में बहुत अच्छा खासा बारिश हो रहा है। अभी आसमान क्लियर हुआ है, टाइम हो रहा है अभी 4:45। ये हम लोग ऑलरेडी चढ़ गए थे। नाउ वी आर ऑन मा फ्लाईओवर। थाउजेंड 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से रिकॉर्ड हो रहा है ये। और अब हम सोच रहे हैं कि वाइजर खोल दे, खोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो वाइजर खोल दिया है, अब विंड पूरा तरीके से अंदर जा रहा है। खोल के कैसा आता है नहीं आता है आई डोंट नो, जस्ट वांट टू चेक एंड सही से हो जाए बस। और क्या मौसम है, कैमरा में देखिए क्या मौसम है अभी। आसमान बादल गजब है, गजब। ठीक है, फिर अभी वापस आए नहीं, थोड़ा देर हुआ। एक्चुअली बारिश इतना बढ़ गया, इतना ज़ोर हो गया था वहाँ पे, कैमरा वैमरा बंद किया और कोई बैग नहीं लेके गए। फिर इधर आके अभी कैमरा चार्ज में लगाया है, अभी ऐसा कैमरा है, कैमरा चार्ज हो रहा है, कैमरा यहाँ चार्ज हो रहा है। हेयर ड्रायर निकाल के रखा हेलमेट सुखाने के लिए। एडेप्टर में इसके अंदर थोड़ा सा पानी गया था लेकिन आई डोंट थिंक सो कुछ हुआ है। हाउसिंग साफ किया उसके बाद अभी बैठा है, अब एडिट करेंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और GoPro में टोटल सेटअप जो ये हुआ एकदम परफेक्ट हुआ, वॉइस वगैरह सब अच्छा हुआ, तो हमको नहीं लग रहा अभी कोई प्रॉब्लम होगा। वीडियो देखिएगा, अगर यहाँ तक अगर देख लिया है तो लाइक।